हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा। यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर पेपर हम करेंगे। एनडीए मॉक टेस्ट के 90 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले 50 मिनट में, और अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर पेपर। और इस प्रीवियस ईयर पेपर में काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे बीच बीच में, है ना। और ज्यादातर चीजें तो आसान होंगी यहाँ पर। तो टाइम देख लेते हैं। टाइम हो रहा है 8:40। 8:40 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं कितनी जल्दी आप इसको कंप्लीट करते हैं। और तुम लोग सेशन को लाइक तो करते नहीं, इसके लिए बताना पड़ता है। इतने तो नालायक हो, जल्दी से लाइक करो जल्दी से, इससे पहले कि आता माजी सटकली। जल्दी से लाइक करो बच्चों। तुम लोगों के लिए सुबह सुबह उठता हूं मैं, 5 बजे जगना पड़ता है, पता है तुम लोगों को। अपने पढ़ने के लिए मैंने कभी नहीं, मतलब इतनी सुबह कभी मैं नहीं जगा हूं अपनी पढ़ाई के लिए। अच्छा, फजील कह रहे हैं हीरो लग रहे हो सर आप। थैंक यू बेटा। लग क्या रहे बेटा है। अरे सर, अपनी तारीफ खुद ही कर लोगे। रात में बेटा कभी 12 बज जाता है, कभी 1 बज जाता है ना। इस समय तो बहुत ज्यादा काम होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 8:40 पे हम स्टार्ट करें, देखते हैं कितनी जल्दी। कल आपने पेपर 30 मिनट में किया था, है ना, 90 क्वेश्चन। आज देखिए कितनी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के ही हैं, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन, दैट इज द आर्किबैक्टीरिया, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल। स्टिकी नेचर कौन प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को, स्टिकी नेचर कौन प्रोवाइड करता है? ये अच्छा सवाल है बेटा, ठीक है, जो मैं हाईलाइट करूंगा उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्टिकी कैरेक्टर कौन प्रोवाइड करता है? ग्लाइकोकैरिक्स प्रोवाइड करता है। वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, वायरॉइड वायरसेस से किस तरीके से अलग है बेटा? तो वायरसेस में आरएनए मॉलिक्यूल तो होता है, लेकिन प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता है, जबकि वायरसेस में आरएनए और प्रोटीन कोट दोनों पाए जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन विदाउट ए डेफिनेट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दैट इज माइकोप्लाज्मा। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा, अभी अभी मैंने बताया, देखिए फिर रिपीट हुआ। एग्जाम में सारे क्वेश्चन जितने मैंने कराए ना, देखिएगा आप जब नीट 2020 देने जाएंगे, 70 क्वेश्चन डिक्टो मिल जाएंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। 70 सवाल जो पिछले 3-4 महीने में आपको मैंने कराए, आपको 70 सवाल सीधे रखे हुए मिलेंगे, बस टिक करना होगा या क्या। अच्छा एग्जाम्पल ऑफ, ये तो सर ने कराया था वॉल वॉक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। जायगोटिक मियोसिस किसका कैरेक्टर है? ये तो सर ने कहा था कि जहां पर हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होगी। अब फ्यूकस में तो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है, फ्यूनेरिया में हैप्लोडिप्लोन्टिक होती है, मार्केशिया में हैप्लोडिप्लोन्टिक होती है, क्लेमाइडोमोनास में हैप्लोन्टिक होती है। तो जहाँ हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होगा वहां पर जायगोटिक मियोसिस हो जाएगी। आंसर आ गया आपका। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस, ये तो याद करना है। एक्टोकार्पस और फ्यूकस दोनों एल्गी हैं, लेकिन एक्सेप्शन है। तो एक्टोकार्पस में हैप्लोडिप्लोन्टिक पैटर्न होता है और फ्यूकस में डिप्लोन्टिक पैटर्न होता है, यानी करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ पर। एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं गया, लेकिन आपके नीट में पूछा गया था। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कैरेक्टर है जो हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में दोनों में होता है, दैट इज फेरिंग्स विद गिल स्लिट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स, ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया था, नीट में आपसे पूछा गया था। तो हॉर्स का ऑर्डर क्या है? दैट इज द प्रेसियोडक्टाइला, प्रेसियोडक्टाइला इसका ऑर्डर हो जाएगा। इन केस ऑफ पोरीफेरन स्पॉन्जोसेल इज लाइंड विद फ्लैजेलेटेड सेल कॉर्ड, पोरीफेरा में स्पॉन्जोसेल की लाइन जिन फ्लैजेलेटेड सेल के द्वारा बनी होती है, दीज आर कॉल्ड क्वाइनोसाइट, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कोकोनट फ्रूट, ये भी कोई पूछने वाली बात थी, नीट में ऐसे सवाल आते हैं। देखिए आप, मैंने कहा ना 70 सवाल एकदम पानी पानी टाइप के आते हैं, कोई दम नहीं होता सवाल में। 20 सवालों में दम होता है, लेकिन 70 सवाल एकदम सिंपल रहते हैं। और इसमें कोई नट कर रहा है, इतना मारूंगा कि नट बन जाओगे एकदम, ड्रूप होता है। कोकोनट मैंगो,
एक ही फ्रूट पूरी एनसीईआरटी में दिया गया उसको भी गलत करें। इन बोगेनविलिया थॉर्न आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, बोगेनविलिया के कांटे किसका मॉडिफिकेशन होते हैं, दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, या स्टेम नहीं दिया जाएगा तो बच्चों क्या करोगे, मान लो स्टेम ना दिया ऑप्शन तो क्या करोगे, रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, लॉलीपॉप टाइप ऑफ क्वेश्चन कहां से निकलते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन से अराइज करते हैं। क्लियर, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, देखो कोकोनट का फ्रूट भी पूछ लिया उसका एडिबल पार्ट भी पूछ लिया, तो एडिबल पार्ट क्या होता है, एंडोस्पर्म, यहाँ पर एडिबल पार्ट होता है, एंडोस्पर्म एडिबल पार्ट, हाँ एक्सिलरी बड करोगे, अगर बोगेनविलिया में आपको स्टेम ना दिया जाए तो एक्सिलरी बड आप एंसर करोगे उस केस में। द वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली यूराइज टू, वेस्कुलर कैम्बियम क्या बनाता है, वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टम है तो सेकेंडरी जाइलम को बनाएगा और सेकेंडरी फ्लोएम को बनाएगा, तो सेकेंडरी जाइलम आपको दिया गया, अगर सेकेंडरी फ्लोएम भी दिया जाता तो भी आंसर यहाँ पर सही होता, अगर सेकेंडरी फ्लोएम दिया जाता तो भी आंसर यहाँ पर सही हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल, कोलेनकाइमा तो लिविंग होता है, फ्लोएम भी लिविंग सेल से बना होता है, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होती है, जो फिल्म है ये कॉर्क होता है बेटा, और कॉर्क जो है ये डेड सेल से बना होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्स्ट्रक्ट टू हार्ट वुड, हार्ट वुड के लिए गलत क्या, इट इज हाईली ड्यूरेबल, सही है, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल, नहीं बेटा हार्ट वुड वाटर और मिनरल को कंडक्ट नहीं करता है, वाटर और मिनरल को कंडक्ट करने का काम ओल्ड आइकॉट ट्री में सैपवुड के द्वारा किया जाता है। सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल फ्रॉग, अब फीमेल में तो स्पर्म का पैसेज होगा नहीं, है ना, ये भी थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां पर टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, देन किडनी, सेमिनल वेसिकल, नहीं बेटा ये गलत है, टेस्टिस वासा इफरेंशिया ये भी गलत है, टेस्टिस वासा इफरेंशिया किडनी बिटर कैनाल, ये देखिए यूरिनो जेनाइटल डक्ट एंड क्लोएका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। एडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएट, मतलब न्यूक्लियस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर, तो आरबीसी ई न्यूक्लिएट है तो उसका फायदा क्या है, दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन का और ई न्यूक्लिएट होने का कोई संबंध नहीं, दीज आर सोमैटिक सेल, ऐसा कुछ नहीं कि सोमैटिक सेल होगी तो न्यूक्लियस नहीं होगा, दे डू नॉट मेटाबोलाइज, ये भी सही नहीं, देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, आरबीसी के अंदर सोचिए अगर न्यूक्लियस होता तो जितना हीमोग्लोबिन उसके अंदर है उतना नहीं आ सकता था, लेकिन न्यूक्लियस ना होने से उसके अंदर का जो स्पेस है उसमें हीमोग्लोबिन आ गया और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती, यानी ओनली डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी, कार्बोहाइड्रेट से एटीपी का प्रोडक्शन कौन करता है बेटा, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करो और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में एटीपी बनता है लेकिन वो लाइट एनर्जी का यूज करके बनता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट के ऑक्सीडेशन के द्वारा एटीपी को प्रोड्यूस किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एंजाइम, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक, यहाँ पर कौन पॉलीमेरिक नहीं है, कौन पॉलीमेरिक नहीं, प्रोटीन पॉलीमर है, पॉलीसेक्राइड पॉलीमर, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, लिपिड आर नॉट द पॉलीमर, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस में सबसे पहले क्या होगा, कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रियोल डिवीजन, सेग्रीगेशन, टीलोफेज, तो यही ऑप्शन सही मिल गया ना, माइटोसिस में पूछ रहा तो यही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, दो ऑप्शन में तो क्रॉसिंग ओवर ही दिया है तो उनको तो ऐसे भी खत्म कर दीजिए, है ना। ठीक है ना, हाँ सही है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये एनसीईआरटी में नहीं था बेटा, है ना, लेकिन नीट में पूछा गया था। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज ए प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस इन एनिमल सेल, इफ एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल, अब ये जो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है एनाफेज में जरूरी है, तो अगर एपीसी डिफेक्टिव हो जाए तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से
सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे, मतलब अपोजिट पोल की तरफ मूव नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटा की ओपनिंग में कौन मदद करता है? डिक्रीज इन टर्जिडिटी, नहीं बेटा टर्जिडिटी इंक्रीज होनी चाहिए। रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल, हाँ ये सही, रेडियल ओरिएंटेशन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होता है। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, बच्चों वाला सवाल है, लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। सेलेक्ट द मिसमैच, रोटो स्पाइरिलम बैक्टीरिया, माइकोराइजा, माइकोराइजा तो फंजाई बनाता, तो यही गलत हो गया, यही मिसमैच है। बाकी एनाबिना, नाइट्रोजन फिक्सर, राइजोबियम, अल्फा अल्फा, फ्रेंकिया, नॉन लेगुमिनस प्लांट यानी एलनस के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। विद रेफरेंस टू फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन एनहांस CO2 फिक्सेशन, सही एनसीईआरटी लिखा है। C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर विद एनहांस फोटोसिंथेसिस व्हाइल C4 प्लांट हैव मच लोअर टेम्परेचर, ये उल्टा लिखा है, जहां C3 यहां C4 होना चाहिए और जहां C4 यहां C3 होना चाहिए, तो बी स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, पेप इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन, पेप प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कहां होता है बेटा? C4 प्लांट में, C3 में तो रुबिस्को होता है, नहीं नहीं C3 में RUBP होता, सॉरी C3 में RUBP होता है, C4 में फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है। चलिए यहाँ पर रॉन्ग बताने, क्रेब साइकिल के लिए देर इज वन पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD इज रिड्यूस्ड टू FADS2, बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज, सही है। द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ स्टाइल कोएंजाइम विद पाइरुविक एसिड, नहीं बेटा स्टाइल कोएंजाइम ए विद ऑक्सैलोएस्टेरिक एसिड टू यील्ड विद सिट्रिक एसिड, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फ्रूट एंड लेट ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाई, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज पे कौन रोकता है? अर्ली स्टेज पे फ्रूट और सीड के, सॉरी फ्रूट और लीफ के एब्सेशन को रोकने का काम ऑक्सिन करता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर गलती होती है बच्चों से। विच सेल ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन, ये तो है 5-स्टार क्वेश्चन क्योंकि NCERT में लिखा नहीं और नीट में पूछा गया। क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन की कौन सी सेल है जो एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम सीक्रेट करती है? लाइसोजाइम तो आपने सलाइवा में पढ़ा है ना, लेकिन लेकिन जो इंटेस्टाइनल जूस है वहां पर भी ये लाइसोजाइम होता है जिसे पैनथ सेल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस? अब देखिए यहाँ पर पेप्सिन है, यहाँ पर रेनिन है और यहाँ पर रेनिन है, तो पेप्सिन और रेनिन तो पेनक्रियाटिक जूस में होते नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा सी, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे क्वेश्चन तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा आपको। ए बेबी बॉय एज 2 ईयर इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड पासेस थ्रू ए डेंटल चेकअप, द डेंटिस्ट ऑब्जर्व द बॉय हैड 20 टीथ विथ टीथ फॉर एब्सेंट, तो बच्चे की बात कर रहा है, उसका डेंटल फॉर्मूला NCERT में नहीं है, 2102/2102, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, तो देखिए प्री मोलर कितने हो गए 0, यानी प्री मोलर उस बच्चे में एब्सेंट होंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल सैक द एल्वेलाई, दे आर नॉट कोलैप्स, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, बिकॉज ऑफ फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बावजूद भी लंग कोलैप्स नहीं करते हैं, उसका रीजन आपसे पूछा गया क्यों ऐसा होता है। क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम को लंग से बाहर आप नहीं निकाल सकते हैं। द हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू लीवर फ्रॉम, हिपैटिक पोर्टल वेन लीवर तक ब्लड ले जाती, कहां से? इंटेस्टाइन से लीवर तक ब्लड ले जाने का काम हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा किया जाता है, कई बार मैंने बताया। फ्रॉग हर्ट वेन टेकन आउट ऑफ बॉडी कॉन्टिन्यूस टू बीट फॉर सम टाइम, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो फ्रॉग क्या बेटा? फ्रॉग कॉर्डेटा है और कॉर्डेटा में मायोजेनिक हर्ट पाया जाता है, और मायोजेनिक हर्ट होने की वजह से जो हर्ट है मायोजेनिक है और ऑटो एक्साइटेबल होता है, और इसीलिए अगर हर्ट को बॉडी के बाहर निकाल दे तो कुछ देर तक वो बीट करता रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी और डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, मतलब
कैपिटल सी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कैपिटल सी आपका आंसर होगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। इट डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो एल्डोस्ट्रॉन रिलीज होगा, एडीएच रिलीज होगा, रेनिन रिलीज होगा, लेकिन एएनएफ नहीं रिलीज होगा, क्योंकि एएनएफ का सिक्रीशन तो तब होता है जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है तो एएनएफ सिक्रीट होता है, तो यहाँ पूछा गया है कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो एएनएफ उस केस में सिक्रीट नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो डिसेंडिंग लिंब ऑफ लोपा फेनले इज इम्परमेबल टू वाटर, डिसेंडिंग लिंब इज परमिएबल टू वाटर, तो ये गलत हो गया। द असेंडिंग लिंब ऑफ लोपा फेनले इज परमिएबल टू वाटर, असेंडिंग लिंब इम्परमेबल होती है, ये भी गलत। डिसेंडिंग लिंब ऑफ लोपा फेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, नहीं इम्परमेबल है। असेंडिंग लिंब ऑफ लोपा फेनले इज इम्परमेबल टू वाटर, ये सही है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज ए टाइप ऑफ, एटलस और एक्सिस के बीच जो जॉइंट होता है बेटा पाइवोट जॉइंट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। आउट ऑफ एक्स पेयर ऑफ रिब इन ह्यूमन ओनली वाई पेयर आर ट्रू रिब, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स पेयर रिब है मतलब 12 पेयर रिब है, तो यानी ऑप्शन आपका ए होगा या डी होगा, ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं। अब करें कि वाई पेयर आर ट्रू, तो ट्रू कितनी होती है 7 पेयर ट्रू होती है, तो ए ऑप्शन में तो 5 है, ये भी खत्म हो गया, तो 7 पेयर आर ट्रू रिब, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा, डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी, करें कि जो न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर होता है बेटा वो कहां पर होता है। रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट, न्यूरोट्रांसमीटर की रिसेप्टर साइट कहां पाई जाती है, प्रीसिनेप्टिक या पोस्टसिनेप्टिक, दैट इज पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, बिल्कुल बढ़िया सवाल है। गुड विजन डिपेंड अपॉन, ये भी बढ़िया सवाल है, 5 स्टार क्वेश्चन है बेटा ये। गुड विजन डिपेंड अपॉन द एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर अच्छे विजन के लिए कैरोटीन रिच फूड जरूरी है, तो उसके लिए ऐसा क्यों, विटामिन ए डेरिवेटिव आर फॉर्म फ्रॉम कैरोटीन, बिल्कुल सही है। द फोटो पिगमेंट आर एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ इनर सेगमेंट, इसका कोई मतलब नहीं है। रेटिनल इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, हाँ ये भी सही। रेटिनल इज लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ द विजुअल फोटोपिगमेंट, ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए सी और डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही है। माइलिन सीथ इज प्रोड्यूस बाई, माइलिन सीथ को कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, माइलिन सीथ का जो प्रोडक्शन होता है, ये भी बढ़िया सवाल है और इस पेपर का सबसे बढ़िया सवाल था, इस पेपर का सबसे बढ़िया सवाल था, माइलिन सीथ के बारे में आपसे पूछा गया था कि माइलिन सीथ को कौन प्रोड्यूस करता है। एक मिनट
चलो चलो आ जाओ बच्चों, तुम लोग भी गायब हो जाते हो। अच्छा हाँ, ठीक है पढ़ लो। तो मैंने भी बताया बेटा कि कौन सा पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, नीट का पेपर है, पढ़ लो काम आएगा। चलो तो माइलिन सीथ को बेटा प्रोड्यूस करती हैं स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब ये जानना जरूरी है कि स्वान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होती हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन सीथ को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो माइलिन सीथ का प्रोडक्शन, और किसी एक को याद करिएगा, ठीक है, किसी एक को याद करिएगा माइलिन सीथ के लिए। ठीक है, जो भी कोड आप बनाना चाहें कोड आप बना लीजिएगा। जैसे माइलिन सीथ का प्रोडक्शन है ना, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस मतलब माइलिन सीथ स्वान सेल बनाती है कहां पर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज, ये भी बढ़िया सवाल था बेटा नीट का, है ना। तो यहां पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एपिफाइसल प्लेट जो होती है बोन में वो क्लोज हो जाती हैं एडोलसेंस के बाद। एडोलसेंस पीरियड मुझे बताओ कितना होता है। सेलेक्ट द मिसमैच, साइकस डाइसियस होता है, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस होता है, इक्विसिटम होमोस्पोरस होता है, पाइनस मोनोइसियस होता है, तो ये इनकरेक्ट मैच हो जाएगा। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलपमेंट, तो फंक्शनल मेगास्पोर 3 माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। 12 से 18 साल का उम्र एडोलेसेंस पीरियड कहलाता है। अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर, अट्रैक्टेंट और रिवॉर्ड किसके लिए जरूरी होते हैं बेटा, मतलब इंसेक्ट को अट्रैक्ट भी करना है रिवॉर्ड भी देना है, तो ये कहाँ के लिए जरूरी होते हैं, एंटोमोफिली यानी इंसेक्ट से होने वाले पॉलिनेशन में। प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक निमेटोफोर एंड सो वीवी पेरी बिलोंग टू, जिन प्लांट में निमेटोफोर और वीवी पेरी आपसे पूछा जा रहा है। प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक निमेटोफोर एंड सो वीवी पेरी बिलोंग टू हेलोफाइट, राइजोफोरा एंड सोनेरेसिया। फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय, सीधी एनसीईआरटी की लाइन है कि फ्लावर अगर सिंगल ओव्यूल रखता है एक ओवरी के अंदर, और अगर बहुत सारे फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं तो उसमें विंड के द्वारा पॉलिनेशन होगा। ये विंड पॉलिनेटेड प्लांट का कैरेक्टर होता है। ये डायसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट, डायसियस की अगर हम बात करें तो डायसियस में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर ऑटोगैमी भी रोक सकता है और जीटोनोगैमी को भी रोक सकता है। डायसियस प्लांट ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी दोनों को प्रिवेंट कर सकता है, ये दोनों को प्रिवेंट कर सकता है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेशन अकर इन, कैपेसिटेशन एनसीईआरटी में नहीं देखे, नीट में पूछा गया। कैपेसिटेशन अकर इन, कुछ बच्चे कहते नहीं सर केवल एनसीईआरटी पढ़ लें, तो मैं बेटा हमेशा कहता हूँ कि एनसीईआरटी के बाहर से भी देखे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। कैपेसिटेशन कहाँ पर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दूल्हे की तैयारी है ये कैपेसिटेशन। ए टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करने का काम करती है। जीएनआरएच हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्टॉन, ये किस पे करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच, यानी ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन इज सोन बाय, डबल फर्टिलाइजेशन किसका करेक्टर होता है बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन इज द करेक्टर ऑफ द एंजियोस्पर्म, जहां पर ट्रिपल फ्यूजन और सिंगेमी दो प्रोसेस आ जाते हैं। चलिए यहाँ पर कॉलम मैच करिए। गोनोरिया, गोनोरिया कौन कॉज करता है, निगेरिया। सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम, जेनाइटल वर्ट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिसे एचपीवी कहते हैं, और एड्स तो जानते हैं एचआईवी, तो A2 B3 C4 एंड D1, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीन, कॉपर रिलीजिंग आयोडीन में कॉपर का काम आपसे पूछा गया है। दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन केस ऑफ अ कपल वेयर ए मेल इज हैविंग ए वेरी लो स्पर्म काउंट, विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन,
वेरी लो स्पर्म काउंट है या मेल फीमेल को इजेकुलेट इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, तो उस केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक का यूज करते हैं, सीधे एनसीआरटी में दिया गया। थैलासीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स सिंथेसिस, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन सिंथेसिस। नहीं बेटा, जो थैलासीमिया है, थैलासीमिया इज क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटेटिव, और जो सिकल सेल एनीमिया है दैट इज द क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव है। फिर कहते हैं थैलासीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, बिल्कुल यहाँ क्वांटिटी कम हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया इज क्वांटिटेटिव, नहीं ये क्वालिटेटिव है। बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव, नहीं बेटा, तो केवल बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। द जीनोटाइप ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ आर IAIB एंड IAI, अमंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर पॉसिबल। तो अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, वाइफ और हस्बैंड का आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, जीनोटाइप दिया गया। तो देखिए मेल हेटरोजाइगस, तो दो तरह के गैमेट यहाँ पे बनेंगे, एक IA बनेगा और एक IB बनेगा। फीमेल भी हेटरोजाइगस, तो दो तरह के गैमेट यहाँ पे बनेंगे, IA और I। अपन एट स्क्वायर आप बना लो यहाँ पर, यहाँ पर क्या आएगा, IA IA, यहाँ पर आ जाएगा IA I, यहाँ पर IA IB और यहाँ पर IB और I। अब देखो चारों जीनोटाइप, पहले देखो IA 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 IB और IB I, तो चारों जीनोटाइप तो अलग हो गए। अब ब्लड ग्रुप देखो, फिनोटाइप इसका A आएगा, यहाँ ब्लड ग्रुप A बनेगा, यहाँ पर कौन सा बनेगा, AB बनेगा, और यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, B ब्लड ग्रुप आ जाएगा। तो ब्लड ग्रुप कितने बने, फिनोटाइप कितने बने, 3, AB और AB, और जीनोटाइप कितने हैं, 4। तो 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ए डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन की वजह से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। नॉन डिसजंक्शन से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्लाइनफेल्टर भी है, टर्नर भी है, और डाउन सिंड्रोम, मतलब इन तीनों में से कोई ऑप्शन होगा। लेकिन अब सवाल में कहा है ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, तो क्लाइनफेल्टर और टर्नर तो सेक्स क्रोमोसोमल है ना बेटा, इनमें सेक्स क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाता है। तो डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर विच वन वाज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी, किसको, ट्राइकोम का कोई कैरेक्टर उन्होंने नहीं लिया था, बच्चों वाला सवाल। चलिए अब मेंडल का आपको पीरियड पूछा कि कब से कब तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया था। कब से कब तक, 1856 से 1863 तक। द फाइनल प्रूफ फॉर DNA एस ए जेनेटिक मटीरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, फाइनल प्रूफ कहाँ से आया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, अनइक्विवोकल प्रूफ भी कहते हैं। फाइनल प्रूफ कहाँ से आया था, हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट से, बिल्कुल सही। DNA फ्रेगमेंट कैसे होते हैं, DNA फ्रेगमेंट, अच्छा सवाल है, दिमाग लगा दोगे ज्यादा तो गलत हो जाएगा। DNA fragment are negatively charged, A option correct होगा। If there are 999 bases in an RNA that code for a protein with 333 amino acid and the base at position 901 is deleted such that the length of RNA become 998 bases, how many codon will be altered? Frame shift mutation का question है, मैंने पहले भी आपको कराया है question, मैंने आपसे कहा था कि पहला base है, ये बेस नंबर 900 है, ये बेस नंबर 901 है, ये बेस नंबर 902 है, और ये बेस नंबर 999। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि 901 नंबर पे बेस डिलीट किया गया है, तो 901 नंबर पे अगर आपने डिलीशन किया है तो इसके पहले कोई चेंज नहीं होगा, तो इसके पहले 900 बेस है कोई चेंज नहीं होगा। 900 बेस मतलब 300 कोडॉन, क्योंकि 3 बेस एक कोडॉन बनाते हैं, तो 900 बेस मतलब 300 कोडॉन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 901 पे डिलीट किया तो आगे कितने, 33 कोडॉन थे, 99 बेस मतलब 33 कोडॉन थे,
तो हाउ मेनी कोडॉन विल बी अल्टर्ड, अगर 300 में चेंज नहीं हुआ है तो इसका मतलब 33 में चेंज हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर यूज्ड टू इलॉन्गेट, ओकाजाकी बनते हैं लैगिंग स्ट्रैंड पर, तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही खत्म हो गए लीडिंग वाले, लैगिंग पे बनते हैं। अब लैगिंग में कहा टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क या अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क, ये बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है और आपको याद करना पड़ेगा अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल, ये भी एनसीईआरटी में नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी आरएनए कौन सा सबसे अबंडेंट होता है सेल के अंदर, दैट इज राइबोसोमल आरएनए इज द मोस्ट अबंडेंट। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर, डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में कब होता है, क्या करोगे, एस फेज करोगे, एस फेज बेटा यूकैरियोट के लिए आप करोगे, है ना, बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में जस्ट प्रायर टू फिशन, फिशन होने के पहले, यानी बी ऑप्शन करोगे, और अगर आपने डी कर दिया तो फिर बहुत मार खाने वाला काम आपने कर दिया है। स्प्लाइसियोसोम आर नॉट फाउंड इन सेल, आउट स्प्लाइसियोसोम का काम क्या है, स्प्लाइसिंग करना, और स्प्लाइसिंग की जरूरत तब पड़ती है जब स्प्लिट जीन होता है, और बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट में तो स्प्लिट जीन होता नहीं है, तो इसलिए यहां पर स्प्लाइसियोसोम की जरूरत नहीं पड़ेगी। द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद न्यूक्लियोसोम इंडिकेट, अगर H1 हिस्टोन न्यूक्लियोसोम के साथ एसोसिएट हो रहा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि डीएनए का कंडेंसेशन चल रहा है क्रोमैटिन फाइबर में, तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउ यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा कि मीडियम साइज की पॉपुलेशन ज्यादा होती है ना, मीडियम साइज की जो पॉपुलेशन होती है वो ज्यादा होती है ना, हमेशा हम ग्राफ को इस तरीके से बनाते हैं, है ना, ये अब यहाँ पर स्मॉल साइज की पॉपुलेशन, मीडियम साइज की पॉपुलेशन और लार्ज साइज की पॉपुलेशन है, तो मीडियम साइज की पॉपुलेशन जनरली ज्यादा ही होती है। अब अगर मतलब गाय तीन तरह की है, कुछ कम दूध देने वाली, कुछ ज्यादा दूध देने वाली, लेकिन ज्यादातर गाय कैसी है, मीडियम अमाउंट में दूध देने वाली। अब कह रहे कि अगर हायर मिल्क प्रोडक्शन करना है, तो हायर मिल्क प्रोडक्शन करना यानी हम मीडियम से हायर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे मतलब दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल चेंज। तो इस तरीके से आप करोगे, आपको केवल रट्टा नहीं मारना है ना, दैट इज द डायरेक्शनल चेंज एट इज पुशेस द मीन ऑफ कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। मीन का मतलब क्या होता है, मीडियम साइज की जो पॉपुलेशन है, जो मीडियम अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस करती है, उससे हायर या लार्जर मिल्क आउटपुट हमें चाहिए, तो एक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा कर्व, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल चेंज। विच अमंग ऑफ दिस करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल, एक्वेटिक मैमल आपसे पूछा है, तो वेल, डॉल्फिन, सील और एनसीईआरटी में एक और दिया सी काऊ, वेल, डॉल्फिन, सील और सी काऊ ये एक्वेटिक मैमल के एग्जांपल हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन फेल ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट बॉडी, विच टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन, कितना कॉमन क्वेश्चन है, कौन सा रिजेक्शन करता है बेटा इम्यून सिस्टम, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या CMI कहा जाता है। माल्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट हाउ मच परसेंट ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, माल्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50%, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाई द मिथेनो बैक्टीरियम लैक्टिक एसिड, नहीं पता है तो मिथेन प्रोड्यूस करता है बायोगैस, पेनिसिलियम एसिटिक एसिड ये भी गलत है, पेनिसिलिन को प्रोड्यूस करता है, सैक्रोमाइसिस इथेनॉल ये सही, एसिटोबैक्टर एंटीबायोटिक को नहीं, ये एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। होमोजाइगस प्योर लाइन इन कैटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, होमोजाइगस प्योर लाइन ऑब्टेन करना है तो आपको करना क्या, इनब्रीडिंग करनी है बेटा, ये मैंने हिंट आपको दे दिया। अब इनब्रीडिंग में क्या करते हैं, इनब्रीडिंग में मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड। अब एक सवाल आपके लिए, मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड इसका नाम आप बताओ, ये तो मैंने बता दिया कि ये इनब्रीडिंग है, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन आप बताओ क्या है, मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड इज कॉल्ड,
विच आर द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करना है तो कौन सा तरीका यूज करेंगे बच्चों, जल्दी से बताइए। प्राइमरी ट्रीटमेंट का यूज किया जाएगा, यस दैट इज कॉल्ड आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग कहते हैं, ये जो मैंने आपसे पूछा था ना ए वाला ऑप्शन, वो आउट क्रॉसिंग को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज आउट क्रॉसिंग। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एग्रोसेल कैन बी विजुलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग। आज ही हमने किया है, इथिडियम ब्रोमाइड से हम स्टेन करते हैं डीएनए को। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सपर्ट प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग, आज ही किया है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन एनटीए के मॉक टेस्ट में, दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प इन आइडेंटिफाइड ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन एज, ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन एज, That gene is named as selectable marker. Selectable marker कहते हैं इसे। What is the criterion for DNA fragment movement on agrocell electrophoresis? DNA fragment. पहला ऑप्शन, smaller the fragment size, farther it move. यही सही है, जितना छोटा सेगमेंट होगा उतनी ही दूर तक मूव करेगा। Asymptote, ये बढ़िया सवाल है बेटा। Asymptote in a logistic growth curve is obtained when, asymptote curve तब आएगा जब carrying capacity और natality एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो ये option यहाँ पर correct होगा। Which ecosystem has maximum biomass? Maximum biomass, biomass पूछे, maximum productivity की बात करें तो आप क्या answer करोगे? Forest ecosystem answer करोगे, forest में भी tropical rainforest आपका answer होगा। Mycorrhiza is an example. Mycorrhiza is a symbiotic or mutualistic relationship between fungi and root of the higher plant. तो ये mutualistic relationship है, ठीक है? Fungi stasis मत कर देना। Presence of plant arranged in well-defined vertical layer depending on their height can be seen best in, ये भी NCERT ने नहीं लिखा है कि कहां पर stratification है। Definition किसकी है? स्ट्रेटिफिकेशन की डिफिनेशन है, और स्ट्रेटिफिकेशन इज बेस्ट सीन इन, जितना घना जंगल होगा उतना ही बढ़िया स्ट्रेटिफिकेशन होगा, और सबसे घने जंगल दुनिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे कि अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्स सी टू कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इन सी टू कंजर्वेशन, अमेजन फॉरेस्ट, इन सी टू हिमालयन रीजन, इन सी टू, क्योंकि अमेजन और हिमालय क्या है बेटा, ये आपके हॉट स्पॉट हैं। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये एक्सीटू कंजर्वेशन है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम, इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया था। इसकी स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया था। द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व व्हिच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी, तीसरी चौथी बार क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, no human activity, that is named as core zone, इसे core zone कहा जाता है। Which one of the following statement is not valid for the aerosol? Aerosol के लिए कौन सा valid नहीं है? Aerosol के लिए कौन सा valid नहीं? They alter, alter मतलब change, they change rainfall and monsoon pattern, सही है। They cause increased agricultural productivity, नहीं बेटा, इससे agricultural productivity decrease हो जाती है, और ये भी NCERT में नहीं दिया गया, तो इसको अच्छी तरीके से आप याद भी रखिएगा। तो ये आपके 90 क्वेश्चन हो गए बेटा, और ये जो पेपर आपने किया है ये पेपर है नीट 2017 का, नीट 2017 का पेपर आपने किया है, और केवल 30 मिनट में आपने कंप्लीट कर लिया इसको। 8:40 पे हमने स्टार्ट किया था इसको, है ना, 9:20 पे आपने खत्म किया, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप भी हमने लिया था, है ना। तो 30 मिनट के अंदर 90 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, और इससे जल्दी आप एग्जाम में कर पाएंगे, विश्वास मानिए आप, अगर लाइक आप करोगे तो 30 मिनट से कम टाइम में एग्जाम में कर पाओगे। अरे तो मैं मजाक की बात कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप कर लोगे बेटा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जो बातें मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ साथ में, तो आप एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे। और 70 क्वेश्चन इसी तरह के मिलेंगे जिस तरह के रोज आप करते हैं, 70 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। ये इजी पेपर नहीं था बेटा, जब नीट 2017 में हुआ था, जिन बच्चों ने दिया था उनके लिए आसान नहीं था,
ये तो आपने इतनी बार रिपीट किए हैं क्वेश्चन, इसलिए आपको आसान लग रहा है ना, और लाइक भी कर दिया करो नालायक हूँ। कम से कम 200 बच्चे ऐसे नालायक हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, 200 ऐसे नालायक बच्चे हैं। तो जल्दी से लाइक करो और फिर हम लोग तो हाँ पीडीएफ अच्छा इशू करें सर प्लीज, पीडीएफ आंसर टिक करके मत दिया कीजिए। किस तरह की पीडीएफ तुम लोग चाहते हो, यही पीडीएफ चाहते हो आंसर के साथ वाली या बिना आंसर वाली? पेपर का बेटा देखते हैं, नीट का मैं इन्फॉर्म तो करता ही रहता हूं। बिना लाइक किए और बिना सब्सक्राइब किए हो कोई अगर गया तो नीत माता माफ नहीं करे, समझ लो। बेटा मार्च देखो, नीट के बारे में मैं तो नहीं बता सकता पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, लेकिन उम्मीद बन रही है क्योंकि अब बहुत ज्यादा अपोज हो रहा है इस चीज का, है ना, तो उम्मीदें हैं भी। 7 डिसलाइक भी हो गए, वाह क्या बात है, चलो ठीक है। कुछ लोग कह रहे आंसर वाली, कुछ लोग विदाउट आंसर वाली, तुम लोग अच्छा स्ट्रीम पीछे नहीं होती, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे करें विदाउट आंसर वाली तो सॉल्व पेपर में दी ही गई है, तो आंसर वाली आप दे दो ताकि रिवाइज करना आसान हो जाए। तो मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ, जैसे रोहित कह रहे हैं कि दोनों दे दीजिए। तुम लोग कितने नालायक, मतलब फ्री में मिल जाए तो कुछ भी ले लोगे नहीं। चलो ठीक है, तो चलो बच्चों हम लोग कल मिलते हैं फिर से, है ना, और अभी 2021 वाले बच्चों के लिए 11:30 बजे क्लास होगी पायो की, 10 बजे केमिस्ट्री की होगी 2021 के लिए, और 1 बजे फिजिक्स की क्लास होगी, ठीक है। और हम लोग कल मिलेंगे फिर सुबह 7:30 बजे, फिर 8:30 बजे, और करीब 180 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 1 घंटे के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों।